नमस्कार, आपका स्वागत है आरडीआई में। थंबनेल को देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में आज क्या बात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सही जाने कि आज हम डिजिटल होने के फायदे और नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं। जिन बच्चों की मानसिक संतुलन खराब होते जा रही है, आखिर इस सब का रीजन क्या है? टेंशन बढ़ते जा रही है, आखिर इस सब का रीजन क्या है? सरदर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, इस सब का रीजन क्या है? दोस्तों, मैं आप सबसे बता दूं कि आज से कई साल पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो आप ये सब चीजें नहीं सुनते थे इतना कि किसी के जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन है, या कभी किसी को बहुत ज्यादा मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उसे बहुत सारी तकलीफें हो रही है, उसे सरदर्द की प्रॉब्लम होते जा रही है, ये सब उतना नहीं सुनते थे। लेकिन आज डिजिटल होने से कई ऐसी चीज अच्छी हो रही है और कई ऐसी चीज बुरी हो रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये उसी के लिए अच्छा है जो इसे अच्छे से समझता है, जो इसे चलाता है, जो डिजिटल को चलाता है उसके लिए अच्छा है, जो डिजिटल लोगों को चलाता है उन लोगों के लिए ये नुकसानदेह है। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं बताऊं कि आजकल हर एक चीज ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन होने से ये फायदा है कि हम घर बैठे बैठे हर एक चीज कर रहे हैं। आजकल हमें क्लासरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम घर बैठे बैठे पढ़ ले रहे हैं। लेकिन क्या मैं बता दूं, लेकिन क्या आप ये चीज जानते हैं कि 100 बच्चे जब बैठते हैं पढ़ने ऑनलाइन तो उसमें से कई बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। 1% पढ़ते हैं ईमानदारी से, क्योंकि 99% वालों का दिमाग क्या कहता है कि बेटा इसमें मजा नहीं है, मजा तो इस वीडियोस में है, आओ इस वीडियोस को देखो। और जैसे ही आप एक वीडियोस को देखते हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, उसके आगे उसका आगे उसके आगे उसके आगे आते जाता है, और फिर पता चला कि 1 घंटा निकल गया और क्लास भी खत्म हो गया। अजीब है ना, यही होते जा रही है। पढ़ाई की अगर बात करें तो डिजिटल हुआ है, अच्छा है, लेकिन डिजिटल, अब बताइए, आप खुद सोचिए। एक चीज तो फायदा है कि अब कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से सारी चीज डिजिटल ही हो गई, और डिजिटल होने की वजह से जो आज 10 साल के भी बच्चे हैं वो भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई उनके लिए सही है, लेकिन क्या अगर मोबाइल की लत उन्हें लग जाए तो क्या ये चीज उनके लिए सही है? क्या उस मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है, क्या वो 10 साल के बच्चे के लिए वो सही है? दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे मोबाइल जो बच्चे चलाते हैं उनके लिए निकला हुआ रेडिएशन कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या आप ये कभी सोचे हैं? आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आप खुद सोच रहे होंगे कि मैं तो 10 घंटा मोबाइल चलाता हूं, मैं तो 2 घंटे मोबाइल चलाता हूं, मैं तो 3 घंटे मोबाइल चलाता हूं। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण आजकल मोबाइल हो रहा है। डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है आज का रेडिएशन जो मोबाइल से निकलता है, जो और चीजों से निकलता है। जब बच्चे जब सोने जाते हैं और जब 10 बजे बेड पे सोते हैं ना, तो उनका नींद लगता है 2 बजे। क्यों? क्योंकि 4 घंटे मोबाइल चलाते हैं। एक वीडियो जब देखना शुरू करते हैं तो उसके आगे उसके आगे उसके आगे उसके आगे बहुत सारे वीडियो आते जाएंगे और वो देखते जाएंगे। डिजिटल है, अच्छा है, लेकिन डिजिटल उन्हीं के लिए अच्छा है। मैं बस यही बताने के लिए आया हूं कि डिजिटल उन्हीं के लिए अच्छा है जो इसे समझते हैं, डिजिटल उनके लिए अच्छा नहीं है जो इसे नहीं समझते। मोबाइल उन्हीं के लिए अच्छा है जो मोबाइल को चलाते हैं, मोबाइल उनके लिए अच्छा नहीं है जो मोबाइल उनको चलाता है। जब दिमाग पे आप अपने मोबाइल को हावी कर लेंगे ना, तो आप अपने जीवन में अभी के दौर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मोबाइल को आप चलाइए, मोबाइल आपको ना चलाए, क्योंकि जिस दिन मोबाइल आपको चलाने लगा उस दिन आप मोबाइल के हिसाब से चलेंगे, मोबाइल जो कहेगा वो आप देखेंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसीलिए पेरेंट्स लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है, छोटा है, 10 साल का है, 12 साल का है,
तो उसे उसी वक्त तक मोबाइल दिया जाए जब तक क्लास चल रहा है, अगर हो सके टाइम हो तो उसको वहां पे बैठकर उसको पढ़ाया जाए, वहां पे बैठकर उसको गाइड दिया जाए कि वो क्या कर रहा है मोबाइल में। या तो मोबाइल में ये सिस्टम लगाया जाए कि एक घंटे का क्लास है, डेढ़ घंटे तक मोबाइल चले, डेढ़ घंटे के बाद मोबाइल ऑटोमेटिक बंद। ये करना जरूरी है अगर मानसिक संतुलन को अच्छे से बनाना है, बच्चों को जीवन के लिए आगे भेजना है, तो ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को बर्बाद करेगा जो नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका रेडिएशन बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है, और इस रेडिएशन के वजह से सर दर्द, चिंता, टेंशन, कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती है। इसलिए दोस्तों मोबाइल को कम यूज करें, जितना ज़्यादा हो सके, जितना कम से कम हो सके ना उतना यूज करें, काम भर काम करें। हाँ, मोबाइल यूज कर रहे हैं अगर प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं तो आप भी कुछ ऐसा करो जिससे आप काम कर रहे हो तो उसे कुछ बेनिफिट्स मिले, और ना कि दिन भर ऐसा ही वीडियोस देख रहे हैं बस यही जिंदगी चल रही है। भाई ये जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें, क्योंकि डिजिटल आज नहीं होता तो कई ऐसी चीजें हो ही नहीं पाती, जैसे जो क्लास चल रहा है ऑनलाइन उससे आज बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। बस बुरे उन्हीं के लिए है, ये बुरा उन्हीं के लिए है जो इसे समझते ही नहीं है। आप समझेंगे तो डिजिटल आपके लिए बहुत बड़ा चीज है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर आप इतना बड़ा बन सकते हैं, इतना बड़ा बन सकते हैं कि आप खुद सोच नहीं सकते। इसलिए दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म को अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ आप इसे यूज करें, जितना काम है उतना काम करें, और याद रखें नींद का सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन और मोबाइल। 10 बजे जब सोने जाते हैं ना तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके सोएं, ऐसा नहीं कि नाइट मैसेज आएगा, पता है मुझे एडगो मैसेज आता है ना, फिर तो भाई ऑनलाइन होना पड़ता है, तो ऐसे ही चलते रहेगा ना तो फिर जिंदगी में कुछ हो गया ना ही। इसलिए दोस्तों याद रहे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा है पर थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा, ये आपको बर्बाद करेगा। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करें, समझदारी के साथ इस पे काम करें, और फिर देखें फिर यही आपको एक दिन बहुत बड़ा चैंपियन बना देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही सच से आपको रूबरू कराते रहेगा।